नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किशमिश के बारे में। दोस्तों हमारे पास पिछले कुछ दिनों से पेरेंट्स के काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, जिनमें पूछा जा रहा था कि क्या हम गर्मियों में हमारे बच्चे को किशमिश दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो हम गर्मियों में हमारे बच्चे को किस तरह से किशमिश दें कि ये हमारे बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो, एवं गर्मियों में इसे देने से हमारे बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप गर्मियों के मौसम में आपके बच्चे को किस तरह से किशमिश दे सकती हैं और ये कितनी फ़ायदेमंद आपको साबित हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एवं हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किशमिश गर्मियों में देने का सही तरीका बच्चे को क्या है, आप बच्चे को किस तरह से दें कि बच्चे को उसके ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिले और बच्चे को इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी बेबी केयर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल ममाजिन बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ किशमिश के फ़ायदों की, तो दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। किशमिश में फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत मदद करती हैं। दोस्तों बच्चे को किशमिश खिलाने से बच्चे के मस्तिष्क को पोषण मिलता है और बच्चों की जो मेमोरी पावर होती है वो बहुत इससे मजबूत होती है। एवं दोस्तों इसमें हाई फाइबर होते हैं जिससे कि इससे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का खतरा भी नहीं रहता है, कि अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप बच्चे को किशमिश खिलाएं, बच्चे का कॉन्स्टिपेशन इससे बिल्कुल सही हो जाता है। एवं किशमिश बच्चे के वेट गेन में भी हेल्प करती है। दोस्तों इसमें कैल्शियम होने की वजह से बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। किशमिश खाने से आयरन अच्छी मात्रा में बच्चे को मिल जाता है, जिससे जिन बच्चों में एनीमिया की शिकायत रहती है यानी कि खून की कमी रहती है उसकी पूर्ति भी किशमिश से बच्चे को हो जाती है। दोस्तों किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं जो कि बच्चे की आँखों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप इसे गर्मियों में या हर एक मौसम में बच्चे को ज़रूर खिलाएं। और दोस्तों ये बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट होती है और बच्चे के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भी ये बच्चे को लगती है, इसलिए बच्चा इसे बहुत ही चाप से खाता है, इसलिए आप इसे बच्चे को गर्मियों में भी ज़रूर दें, लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि गर्मियों में हम बच्चे को किशमिश कैसे खिलाएं। गर्मियों में आप किशमिश बच्चे को भीगी हुई दें, यानी कि आप किशमिश को सबसे पहले अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट पानी में भिगो दें। इसके बाद आप इसको मॉर्निंग में बच्चे को जो भीगी हुई किशमिश है वो आप बच्चे को दें, एवं इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका बच्चा इसको अच्छे से चबा चबा के खाए। और दोस्तों अगर आपका बच्चा अभी तक चबा के अच्छे से खाना खाना नहीं सीखा है, यानी कि वो 1-1.5 साल का है, तो आप बच्चे को डायरेक्ट किशमिश नहीं दें, नहीं तो इससे बच्चे को चॉकिंग का खतरा रह सकता है। दोस्तों इसी के साथ जो किशमिश वाला जो पानी होता है जिसमें आपने किशमिश को भिगोया है उसे भी आप नहीं फेंकें, क्योंकि मैंने इसीलिए बोला है आप एक बार किशमिश को अच्छे से वॉश करें फिर आप भिगोएं, और फिर ये जो पानी है ये भी आप बच्चे को पिला दें क्योंकि इसमें भी काफ़ी पोषक तत्व होते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप गर्मी के मौसम में बच्चे को किशमिश दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपके बच्चे की उम्र 3 साल है तो आप बच्चे को 3 से 4 किशमिश दे सकते हैं, या 4 से 5 भी आप बच्चे को 3 साल के बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की उम्र 2 साल है तो 2 से 3 किशमिश बच्चे के लिए सफिशियंट रहती हैं। तो दोस्तों ये गर्मी के मौसम में किशमिश खिलाने का सबसे सही तरीका होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। टिल देन बाय।